अब ये देखेंगे कि पीसीसी वर्क से पहले सैंड फिल क्यों करवाना है, रीजन देखेंगे। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर यहां पर एक लेबर काम कर रहा है और वो फिनिशिंग कर रहा है भी पीसीसी की, ऑन ग्राउंड पर ठहरा हुआ है, यहीं पर वाटर टेबल है। कुछ साइट्स पर ऐसा होता है कि वाटर टेबल फुटिंग के बराबर होता है, तो वहां पर पानी यानी कि हमारा वाटर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसका जो स्ट्रेंथ है प्रॉब्लम आ सकता है। इस स्ट्रेंथ में सपोज करो इस जगह पर मॉइस्चर कंटेंट है और ये यहां से वाटर अब्सॉर्प्शन के चांसेस हो सकते हैं हमारे पीसीसी में, तो हमने डायरेक्ट अगर प्लेस कर दिया है तो बिल्कुल हमारे स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आई। रीजन जो कि मेन रीजन ये होता है कि अर्थक्वेक से रेजिस्ट करता है हमारा जब हम सैंड फिल करवाते हैं। सैंड फिल करवाने के वजह से ही एक हमारा रेजिस्ट करता है अर्थक्वेक से। वाटर टेबल से हमें एक लेयर मिल जाती है जब हम एक्सकेवेशन करने के बाद पीसीसी करने से पहले सैंड फिल करेंगे, तो एक हमको लेयर प्रोवाइड हो जाएगी ग्राउंड और हमारे फुटिंग के। डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में होगा तो फेल्योर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एक लेयर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि एक कुशन टाइप प्रोवाइड करेगा हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को। सपोज करो आपके घर में एक सोफा है, सोफे पर आप बैठते हैं लेकिन कुशन नहीं है, तो क्या आपको वो वाली फीलिंग आएगी? एक आराम वाली फीलिंग नहीं आ सकती। जब हम कुशन को यूज करते हैं हमारे बैक में तो बढ़िया से एक फीलिंग आती है, यार हाँ बैठकर मजा आ गया। इसी तरीके से जब हमारे स्ट्रक्चर को एक लेयर प्रोवाइड करते हैं सैंड फिलिंग का, तो उससे क्या होगा, एक कुशन वाला प्रोवाइड करेगा, उसको भी एक डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रहने से स्ट्रक्चर सेफ रहेगा अर्थक्वेक से। अब इसका एस्टिमेशन देखेंगे। और एक बात अभी एक ऐड कर लेता हूं, ये कहां करवाना होता है ये भी जान लीजिए। जहां पर हार्ड स्टाटा है वहां पर करने की जरूरत तो नहीं है, जहां पर लूज सॉइल होती है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहां पर करवाना है, एज पर साइट सिचुएशन के हिसाब से, एज पर ड्राइंग के हिसाब से देखना है कि हमें करवाना है या नहीं करवाना है। एक गुड प्रैक्टिस होती है एक सिविल इंजीनियरिंग की, एक सिविल इंजीनियर अगर वो जानता है बिल्कुल तो वो करवाता है सैंड फिलिंग बिफोर पीसीसी वर्क। जहां पर लूज सॉइल है बिल्कुल वहां तो करवाना ही है। जैसे कि मैंने बताया, आपने पढ़ा भी होगा सॉइल मैकेनिक्स में या फाउंडेशन इंजीनियरिंग में वाटर टेबल के बारे में, तो यहां पर हम परचेस कर नहीं सकते अगर हमारा बजट नहीं है इतना कि हमको सैंड फिल करवाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह क्रश सैंड ले सकते हैं। क्रश सैंड से भी हम बिल्कुल फिल कर सकते हैं, या अगर हमको वो भी नहीं है इतना बजट तो हम उसकी जगह और कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन करवाना जरूरी है इन केस लूज सॉइल। हार्ड स्टार्टर की जगह पर हमें करवाने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा स्ट्रेंथ आए अर्थक्वेक से बचाने के लिए, हम बिल्कुल करवा सकते हैं। एक जैसे कि मैंने बताया, एक गुड प्रैक्टिस है एक सिविल इंजीनियर की। इसको देखेंगे एक्सेल शीट पर किस तरह से वर्क करते हैं, इसका एस्टिमेशन किस तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज का एस्टिमेशन। मिलते हैं एस्टिमेशन शीट में, चलिए।